हर साल श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है। पंचांग के अनुसार श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर को भादों के महीने की पूर्णिमा के दिन आरंभ हुआ था, जो 2 अक्टूबर यानी अश्विन महीने की अमावस्या तक रहेगा। अश्विन माह की अमावस्या को ही सर्वपित्र अमावस्या भी कहा जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन अनुष्ठान करना बेहद फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महान अनुष्ठान के बिना पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए हर साल पितृपक्ष के दौरान लोग सच्चे मन से श्राद्ध पूजा करते हैं। आइए जानते हैं सर्वपित्र अमावस्या की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और तर्पण की सही विधि। सबसे पहले जान लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को प्रातः 9:34 से शुरू होगी, जो कि 2 अक्टूबर को 12:18 पर समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को अमावस्या की पूजा की जाएगी। इस दिन कुतुप मुहूर्त सुबह 11:45 से है, जो कि 12:24 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:34 से है, जो कि 1:34 तक रहेगा। कुतुब और रोहिणी मुहूर्त के अलावा दोपहर में तर्पण करना भी बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल तर्पण पूजा दोपहर में ही की जाती है। ज्योतिषों के अनुसार दोपहर के समय किया गया तर्पण पितरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या में तर्पण का मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 1:21 से आरंभ होगा, जो कि 3:43 तक रहेगा। अमावस्या पर किन का श्राद्ध करना है, ध्यान से सुन लीजिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध करना शुभ होता है। जिन लोगों की मृत्यु तिथि आपको ज्ञात नहीं है, उनका श्राद्ध भी सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। तर्पण करने की विधि क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आप जिस स्थान पर तर्पण करने जा रहे हैं उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद एक दीपक जलाएं। आपको जिस व्यक्ति का तर्पण करना है उनकी फोटो चौकी पर स्थापित कर दें। मंत्रों का जाप करके पितरों का आह्वान करें। जल से भरा लोटा लें और पितरों का नाम लेते हुए फोटो के सामने जल चढ़ाएं। घी, दूध और दही को साथ में मिलाएं और फिर उसे जल में अर्पित करें। इस दौरान तर्पयामी मंत्र का उच्चारण करें। पिंड बनाएं और फिर उसे कुश पर रख के जल से सींचें। पितरों व पूर्वजों को उनके प्रिय भोजन का भोग लगाएं। पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। पशु पक्षियों को भोजन कराएं। अंत में अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और अपने पितरों से भूल चूक की माफी जरूर मांगें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।